नमस्कार, नेक्स्ट नाइन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तरुण। पुणे पोर्ट से एक्सीडेंट मामले में एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल नाबालिग के दादा को अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, सुरेंद्र अग्रवाल जो है उनके ऊपर आरोप लगा है कि उन्होंने ड्राइवर को धमकाने की कोशिश करी है और पुलिस ने अब उनको गिरफ्तार कर लिया है। मैं आपको बता दूं, पुणे पुलिस ने इस बात की जो सूत्र है वो निकलकर सामने आ रहे हैं पुणे पुलिस से कि उनके दादा को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल मैं आपको बता दूं, ये नाबालिग जो लड़का था ये पहले बार में बैठ के शराब पी रहा था। शराब पीने के बाद 250 किलोमीटर पर आर की स्पीड से अपनी पोर्च कार को लेकर निकलता है। बराबर में ड्राइवर बैठा होता है, ड्राइवर को गाड़ी नहीं चलाने देता है। और इस बात की शिकायत जो ड्राइवर उसके पिता से करता है तो उसके पिता कहते हैं कि आप मेरे बेटे की जिद को पूरा करिए। अब जिद में बेटे ने ऐसा कर लिया कि दो लोगों की जान ले ली। जी हाँ, और उसके बाद ये केस ने इतनी तूल पकड़ ली क्योंकि ये बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। और उसके बाद इस नाबालिग लड़की को पुलिस ने गिरफ्तार किया। हालांकि जो मौजूद लोग थे उन लोगों ने इसकी पिटाई भी बहुत ज्यादा करी थी। अब मैं आपको बता दूं, जो नाबालिग है उसके जो पिता है विशाल अग्रवाल, उनको भी पुलिस ने काफी पहले ही गिरफ्तार कर लिया था और आज उनके दादा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस तरह की सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक हम ये बात कर रहे हैं। सूत्रों से जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि दादा को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल मैं आपको बता दूं, ये अग्रवाल फैमिली जो है मिलकर कहीं ना कहीं जो ड्राइवर है उसके ऊपर आरोप सिद्ध करना चाहते हैं कि ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, हमारा बेटा कुछ नहीं कर रहा था। आपने कहानी सुनी होगी जब सलमान खान से एक बार एक्सीडेंट हो गया था मुंबई में। दरअसल वो सड़क पर निकल रहे थे और कार इतनी ज्यादा स्पीड में थी कि उन्होंने कई सारे जो लोग सड़क पर सो रहे थे उन लोगों को चल दिया था और उनकी मौके पर जान चली गई थी। उसके बाद सलमान खान ने क्या करा कि जो इसमें आरोपी बना दिया वो ड्राइवर को बना दिया। अब भाई सजा सलमान खान को थोड़ी ना होगी, सजा ड्राइवर को होगी। वही सेम हुआ। अब वही सेम चीज इस केस में देखने को मिल रही है कि अगर ड्राइवर इसमें आरोपी सिद्ध करने की जो कोशिश करते नजर आ रहे ड्राइवर को ये फैमिली मिलकर, अगर ड्राइवर आरोपी सिद्ध होता है तो उसको सजा होगी, बच्चा उनका जो है जो नाबालिग उनका लड़का है वो बच जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं पुणे पुलिस जो है इस मामले में बहुत ज्यादा सक्रिय है। उसने कोर्ट में कहा है भले ही इस बच्चे की उम्र 18 साल नहीं है, 17 साल है, लेकिन इसे नाबालिग लोगों की तरह ट्रीट ना करा जाए बल्कि इसको अडल्ट की तरह ट्रीट करा जाए। पुणे पुलिस कह रही है क्योंकि इन्होंने जो घटना करी है कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, इस घटना में दो लोगों की जान चली गई है और ऐसे में जो नाबालिग है उसकी उम्र 17 साल है और अडल्ट के लिए 18 साल उम्र चाहिए होती है। ऐसे में अभी पुलिस देखिए इसमें बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पा रही है। लेकिन पुलिस ने उनके पिता विशाल अग्रवाल को भी अभी हाल ही में गिरफ्तार किया था और आज सूत्रों से निकलकर खबर सामने आ रही है कि उनके दादा को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। खैर, इस मामले में आगे क्या क्या मोड़ आएंगे हम आपके साथ अपनी खबर को साझा करते रहेंगे। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।